नमस्कार दोस्तों। नवंबर के लास्ट वीक में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि जितने भी छोटे शहर्स हैं उनके कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए, रियल इस्टेट को बूस्ट करने के लिए कमर्शियल बिल्डिंग्स का FSI बढ़ा दिया गया। अब ये FSI बढ़ा दिया मतलब इसमें मुंबई छोड़ के पुणे, पिंपरी और नागपुर, नासिक, उसके बाद कोल्हापुर जैसे शहर हैं उन सबको लिया गया है। और ये जो रियल इस्टेट को बूस्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो सारे रियल इस्टेट मार्केट में भी थोड़ा सा खुशी का माहौल है। इसके बाद अभी महाराष्ट्र का जनरल ऐसे FSI देखा जाए तो 3 है। अभी इसको एक गवर्नमेंट उसको इंक्रीज करना चाहती है कुछ कुछ क्षेत्रों में, जैसे जहाँ प्रीमियम FSI लगा सकते हैं वहाँ प्रीमियम FSI दे करके गवर्नमेंट अपनी तरफ से मतलब कुछ मनी भी जनरेट कर सकती है। तो अभी ये FSI जो भी है, FSI क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। FSI मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकुंद कुलकर्णी, आपका होस्ट, और आपका नॉलेज अप चैनल में स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर व्हाट इज FSI इन सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। FSI इज मीन्स फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अभी फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या है? फ्लोर स्पेस इंडेक्स एक रेशियो है जो टोटल कंस्ट्रक्टेड या फिर बिल्टअप एरिया है उसका और प्लॉट एरिया का, मतलब कितना प्लॉट एरिया है और इसके ऊपर आप कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप बिल्ड कर सकते हो, वो दोनों का रेशियो है, इसको हम लोग FSI बोलते हैं। इस जैसे कि हम लोगों को कोई भी प्लॉट मिला तो वो प्लॉट के ऊपर हम कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कितने स्टोरेज बना सकते हैं, कितना कंस्ट्रक्ट बिल्ट अप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वही एक उसको हम लोग, इसके लिए हम लोगों को FSI की ज़रूरत होती है। वो FSI एक फिगर है, उसके हिसाब से हम लोगों को बिल्डअप एरिया मिल सकता है प्लॉट के एरिया से। अभी एक सामने आपके एक स्केच है, स्केच में आप देख सकते हैं एक प्लॉट एरिया दिया है और साइड में एक बिल्डिंग भी है, वो बिल्डिंग देख रहे हैं, मतलब जितना उसका FSI उसके हिसाब से वो बिल्डिंग बनी हुई है। तो FSI का मेन मकसद क्या है कि प्लॉट एरिया में आप कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कितना स्टोरेज बना सकते हो, वो क्लियर आइडिया आ जाता है FSI। और ये FSI कौन डिसाइड करता है? तो FSI में गवर्नमेंट बॉडीज जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन प्लानिंग या फिर नेशनल बोर्ड बिल्डिंग कोड, उनके हिसाब से ये FSI डिसाइड होता है। वो पर्टिकुलर वो स्टेट का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, वो सिटीज़ के कंडीशन के ऊपर हिसाब से डिसाइड करते हैं। अभी FSI मतलब उसका एक क्लियर कट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मतलब फ्लोर एरिया, मतलब जो भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर फ्लोर एरिया कवर्ड एरिया या फिर बिल्टअप एरिया, डिवाइडेड बाय दैट लैंड एरिया और प्लॉट एरिया, तो ये जो रेशियो रहता है इसी को हम लोग FSI या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स बोलते हैं। उसको कुछ लोग फ्लोर एरिया रेशियो भी बोलते हैं कुछ मेनली FSI और FAR भी बोलते हैं। अभी FSI किस पे डिपेंड होता है? तो साइज ऑफ प्लॉट, प्लॉट का साइज क्या है, बिल्डिंग कौन सा है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, इसके बाद विड्थ एडजेसेंट रोड कितना है, साइड में जाने के लिए रोड है क्या है, तो उसके ऊपर बाद में सीवर लाइन है कि नहीं, साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके ऊपर पूरा FSI डिपेंड होता है। और ये FSI जैसे बार टाइम टू टाइम रिवाइज होता है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी वो भी कंसल्ट की जाती है, उधर पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो FSI बाद में रिवाइज कर सकते हैं। वो टोटल सिटी का ये सब चीज़ देखे जाते हैं, जैसे रेसिडेंशियल है, रोड है, सीवर लाइन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये सब के हिसाब से उसका FSI डिसाइड होता है। वो टाइम टू टाइम रिवाइज भी होता रहता है। अभी FSI कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। FSI जनरली कौन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो भी रहते हैं उनका डिपार्टमेंट की तरफ से कंट्रोल होता है कि कितना FSI रखना है, कौन से एरिया में, वो लोग डिसाइड करते हैं। वो सिटी का जोन कौन सा है, टाइप ऑफ बिल्डिंग कौन सा, एमिनिटीज, और उसके बाद उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। अभी FSI कितना है? अभी FSI इंटू प्लॉट एरिया इज इक्वल टू बिल्टअप एरिया। अगर बिल्टअप एरिया आपको निकालना है तो FSI जो उस एरिया का है इंटू प्लॉट एरिया, उसके हिसाब से हम बिल्टअप एरिया निकालते हैं। अभी FSI मान लीजिए एक प्लॉट है या लैंड है 20,000 square feet का है और हम लोगों को उसके ऊपर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो सबसे पहले हम लोगों को वो बिल्डिंग कितना फ्लोर करना है, क्या करना है, सबसे पहले उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। और प्लानिंग करने के बाद वो FSI कितना है, क्या है, उसके हिसाब से उसका स्टोरेज डिसाइड करके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ। अभी देखिए इसमें कैसा है, एक
प्लॉट है, ये प्लॉट के ऊपर दो फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है। जैसे 20,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, इसमें फर्स्ट फ्लोर है 20,000, सेकंड फ्लोर है 20,000, तो प्लॉट एरिया 20,000 हो गया, फर्स्ट फ्लोर 20,000 हो गया, सेकंड फ्लोर 20,000 हो गया, तो टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया या फिर कवर एरिया या फिर कवर्ड एरिया या फिर बिल्टअप एरिया वो 40,000 स्क्वायर फीट हो गया। तो FSI कितना हो गया, टोटल बिल्टअप एरिया 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया 20,000 इज इक्वल टू 2। तो ये एरिया का टोटल FSI कितना हो गया, 2 हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल है, यहाँ देखिए प्लॉट एरिया 20,000 है, फर्स्ट फ्लोर है 20,000 स्क्वायर फीट, सेकंड फ्लोर है 10,000 स्क्वायर फीट, तो टोटल कितना हो गया 20 + 10 = 30,000 स्क्वायर फीट। तो FSI कितना हो गया, 30,000 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया 20,000 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1.5। मेनली ये ध्यान में रखना कि प्लॉट एरिया जो टोटल एरिया दे रहता है और कंस्ट्रक्शन एरिया या फिर कवर्ड एरिया या फिर बिल्टअप एरिया वो देखना है, उसके हिसाब से हम FSI कैलकुलेशन करते हैं। अब ये थर्ड एग्जाम्पल यहाँ दिया है, देखिए प्लॉट एरिया 20,000 स्क्वायर फीट है, फर्स्ट फ्लोर 20,000 स्क्वायर फीट, सेकंड फ्लोर 10,000 स्क्वायर फीट, थर्ड फ्लोर 10,000 स्क्वायर फीट, तो टोटल कंस्ट्रक्शन और बिल्टअप एरिया कितना हो गया 40,000 स्क्वायर फीट। तो FSI कितना हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 2, 20,000 स्क्वायर फीट टोटल कितना हो गया 2। इस हिसाब से ये FSI हम लोग निकालते हैं, मतलब टोटल कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया इज इक्वल टू FSI, या फिर बिल्टअप एरिया निकालना है तो टोटल FSI इंटू प्लॉट एरिया करेंगे तो बिल्टअप एरिया भी निकलता है। बिल्डिंग के टाइप के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों का, अभी हम लोगों को देखना है कौन सा टाइप का बिल्डिंग है, कौन सा टाइप का जोन है, उसमें कौन सा FSI है वो देखना पड़ता है, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे रहता है। जनरली अलग अलग बिल्डिंग का अलग अलग FSI रहता है, लोकेशन के हिसाब से या फिर वो एरिया के उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। अभी सेम लोकेशन में FSI कभी वेरी भी हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल्डिंग का अलग रहता है, स्पेशल बिल्डिंग के लिए अलग रहता है। अभी आप कुछ जोन का FSI 1.5 है और स्पेशल बिल्डिंग्स, और तो वहाँ आप लोग 20,000 इंटू 1.5 30,000 स्क्वायर फीट कर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और उसमें कैसा टू फ्लोर भी 15,000 स्क्वायर फीट के कर सकते हैं या फिर 10,000 के थ्री फ्लोर भी कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द म्यूनिसिपल, मतलब वो रूल को बिना छेड़छाड़ किए हुए आप इतना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अभी हमने जैसे देखा है कि FSI का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अभी इसके ऊपर और एक नया ये है प्रीमियम FSI। प्रीमियम FSI कैसा है, वो जोन कोई भी हो या फिर लोकेशन हो, बिल्डिंग टाइप हो, उस वहाँ एक अलग टाइप का एक अलग डिविजन रहता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वहाँ आपको प्रीमियम FSI मतलब कुछ एक्स्ट्रा FSI दिया जाता है। अभी जैसे आपको कुछ FSI उसको एक्सटेंडेबल करना है, जैसे कि अभी आपको FSI फिक्स है तो वो आपका रोड विड्थ कितना है उसके हिसाब से आपको FSI बढ़ा के मिलता है। जैसे 30-40 feet रोड है तो 20% प्रीमियम FSI आता है, उसके बाद 40-60 है तो 30% आता है, उसके बाद 60% अगर है तो उसका ऑलमोस्ट 40% प्रीमियम FSI आता है। मतलब जो अलाउबल FSI प्लस प्रीमियम FSI इज इक्वल टू टोटल प्रीमियम एरिया आ जाता है, वो बिल्टअप एरिया आ जाता है। अभी इसके देखिए 30-40 feet अगर रोडवे है तो उसमें हम लोगों को 20% प्रीमियम FSI मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे प्रीमियम FSI का एक एग्जांपल, जैसे 30-40 feet रोड है और उसको FSI 30-40% मिल रहा है तो उसका टोटल कैसा अपने को स्क्वायर फीट बिल्टअप आएगा। तो अगर 30 feet रोड है और अवेलेबल उधर का ये FSI अगर 1.5 है तो उसके हिसाब से अगर 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो वो कैलकुलेशन कैसे करते, बिल्टअप एरिया 1,000 इंटू अवेलेबल FSI मतलब जो भी 1.5 है इंटू प्रीमियम FSI मतलब 20%, जैसे 1,000 इंटू 1.5 इंटू 20% मतलब 1,000 इंटू 1.5 1,500 इंटू 20% मतलब 300 इज इक्वल टू 1,800 स्क्वायर फीट। तो उधर का टोटल बिल्टअप एरिया आएगा अपना 1,800 स्क्वायर फीट। तो इस हिसाब से हम लोग प्रीमियम FSI निकालते हैं। अभी दुनिया के कुछ सिटीज़ हैं उनका FSI बता देता हूँ मैं, जस्ट
मतलब एक रेफरेंस के लिए, जैसे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में 15 है, मैनहट्टन में 15 है, शंघाई में 13.1 है, चेन्नई में 4.1 है, नोएडा में 3.5 है, दिल्ली में 3.2 है, मुंबई में 3 है, बेंगलोर में 2.5 है, गुड़गांव में 1.8 है और पुणे में 1 है। एक टाइम का एक पर्टिकुलर एरा का एफएसआई है, ये हमेशा चेंज होते रहता है और ये सिटी में भी अलग अलग एरिया पे अलग अलग एफएसआई होता है। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।